चढ़ती कला। फास्ट न्यूज़। सत श्री अकाल जी, चढ़ती कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला, एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास खबरां ते। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सैशन 10 अगस्त तो शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। एक अधिकारत बुलारे ने इसकी जानकारी दी है। बुलारे ने भी दस्सिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रधानगी विच होई सूबाई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे उत्ते फैसला किया गया। बुलारे ने दस्सिया कि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल नाल सूबा विधानसभा का मानसून सैशन 10 तो 13 अगस्त तक 4 बैठकों में बुलाने की सिफारिश करने का फैसला किया। लोकसभा ते राज्यसभा की कार्रवाई दौरान कई बार बोले जाने वाले शब्दों तो बाद विरोधी धिर ने सरकार उत्ते हमला तेज कर दिता है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस उत्ते वड्डा बयान दिता। उन्हें कहा कि किसी भी शब्द उत्ते पाबंदी नहीं लगाई गई है। कढ़े गए शब्दों का संग्रह चल रहा है। लोकसभा सकत्रेत ने गैर संसदीय शब्द 2021 दे नाम उत्ते शब्दों और वाकों की सूची तैयार की है और इस सारे संसद मैंबरों को भेज दिता गया। विरोधी धिर के संसद मैंबर इसकी काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। पार्लीमेंट सैशन शुरू होने तो ठीक पहला केंद्र सरकार वालों लोकसभा ते राज्यसभा विच कुछ शब्दों के बोलने उत्ते लगाई गई कथित रोक नूं लैके आम आदमी पार्टी के नेता ते राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा ने भाजपा सरकार उत्ते तंज कसे। उन्हें कहा कि विरोधी धिरां दी आवाज़ नूं दबाउण दी कोशिश है। राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा ने एक ट्वीट विच कहा कि यह जाण के चंगा लग्या कि केंद्र की भाजपा सरकार उन्हां दी कारगुजारी नूं दर्शाउण वाले विशेषणां तों भली भांत जाणू है। उन्हां अनुसार इन्हां शब्दों उत्ते पाबंदी लगाई गई है। वो सारे शब्द भाजपा सरकार को उचित और सही ढंग से बयान करते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नहीं चाहती कि देश की संसद में लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदे उन्होंने नाकामियों की पोल खोल सकन। बीते कल पंजाब विजिलेंस वालों भ्रिष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए सबका कैबिनेट मंत्री संगत सिंह गिलजिया के भतीजे दलजीत सिंह गिलजिया मोहाली कोर्ट कंपलैक्स में माणयोग चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हरप्रीत कौर की अदालत में पेश किया गया, जिथे विजिलेंस ने दलजीत सिंह के 10 दिन रिमांड की मांग की, पर माणयोग अदालत ने उन्हों का 3 दिन का रिमांड दिता है। बचाओ पक्ष के वकीलों ने दलजीत सिंह गिलजिया की गिरफ्तारी राजनीतिक तौर उत्ते प्रेरित दसिया। एडवोकेट नरपिंदर सिंह रंगी ने अदालती कार्रवाई बारे जानकारी दी। पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के कतल के दोषी शूटर अंकित सचिन को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। सूत्रों मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शूटर अंकित सचिन की एक दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। दस दिए कि पंजाब पुलिस वालों कोर्ट में अर्जी दाखिल करके शूटर अंकित सचिन की कस्टडी मंगी गई थी। कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शूटर अंकित सचिन को गिरफ्तार करने की मंजूरी भी दे दी, जिस तों बाद कोर्ट में ही पंजाब पुलिस ने दोहां शूटरों को हिरासत में ले लिया। पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव विशेष तौर उत्ते मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के घर दुख साझा कर पहुंचे। उन्होंने मृतक गायक के पिता बलकौर सिंह सिद्धू को भरोसा दिता कि रहिंदे दोषियों जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त सजावं दित्तियां जाणगियां। इस मौके उत्ते सिट के चेयरमैन IG जसकरण सिंह, SSP गौरव तूरा ते होर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के हलका भुलात तो विधायक सुखपाल सिंह खहरा कांग्रेस हाईकमांड वालों वड्डी जिम्मेवारी सौंपी गई है। हाईकमांड ने सुखपाल सिंह खहरा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त किया है। इस बारे जानकारी हाईकमांड वालों जारी पत्र में दी गई है। हाईकमांड वालों कांग्रेस के जनरल सकत्र KC वेणुगोपाल ने पत्र जारी करके इस संबंधी जानकारी दी है। पटियाला के एडिशनल सैशन जज HS गरेवाल ने मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की सज़ा बरकरार रखने का हुक्म सुनाया। दलेर मेहंदी की 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा गया, जिस तों बाद गायक दलेर मेहंदी को कबूतरबाजी के मामले में पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला 2003 का जदों उन्हां उत्ते कबूतरबाजी के दोष लगे सन। दलेर मेहंदी को अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसनों पटियाला की अदालत ने बरकरार रखे। काबुल के गुरद्वारा करते प्रवान उत्ते हुए हमले तो बाद अफगानिस्तान के 21 सिखां नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल अफगानिस्तान तो भारत लिया गया। अफगानिस्तान तो आए इन्हां सिखां विच 12 पुरश, 5 औरतां अते 4 छोटे बच्चे शामिल ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के यत्नां सदका इन्हां सारे व्यक्तियों नूं भारत लिया गया। इस मौके दिल्ली कमेटी मैंबर सुखविंदर सिंह बब्बर ने कहा कि काबुल विच गुरद्वारा करते प्रवान उत्ते हुए हमले तो बाद भारत सरकार ने इन्हां नूं वीजा दिता है अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारत वापस लियाउण लई इन्हां नूं हवाई सेवावां मुहैया करवाईआं ने। इस मौके अफगानी सिखां ने भारत सरकार का धन्नवाद किया।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विआह समागम मौके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी वाली गड्डी की चैकिंग करने उत्ते श्री अकाल तख्त साहब वालों कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अगुवाई में श्रोमणी कमेटी के वड्डी गिणती में मैंबर ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह जैदार श्री अकाल तख्त साहब नूं मंग पत्र सौंपिया। इस मौके श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने मामले बारे जानकारी दी। सो फास्ट न्यूज़ में अज्ज लई इन्ना ही, जांदे जांदे नज़र मारदे हां मौसम दे हाल उत्ते। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। धन्नवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।